अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार के साथ लड़के थे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दीपावली पर घर की साफ सफाई वे लिपाई पुताई के लिए गांव से बाहर खदान से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते खोदते कुदाल से ही की मांद में बैठे उसके बच्चे के जा लगी और वह तुरंत ही मर गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, किंतु क्या करती बेचारी, यह सब अनजाने में हुआ था। मरे हुए बच्चे का पश्चाताप करती हुई वह घर चली आई। कुछ दिन बाद उसका एक लड़का मर गया तथा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद एक साल में उसके 7 बेटे मर गए। एक दिन रोते हुए उसने पड़ोस की स्त्रियों को सेही के बच्चे की सारी व्यथा सुनाई। तब वे स्त्रियां उसे धीरज देते हुए कहने लगीं कि तुमने जानबूझकर यह पाप नहीं किया है, फिर भी पश्चाताप कर, हमें सुनाने से तुम्हारा आधा पाप मिट गया। अब आप भगवती अष्टमी के पाप से ही और उसके बच्चे की मूर्ति रखकर पूजा करो, जिससे आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की अहोई बनवाएं, जिसे स्याऊ भी कहते हैं, और उसे पैंडल की तरह गले में डालकर पूजा करें। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी से लगाकर इसे भांति व्रत करती रही। देवी प्रसन्न हुई और फिर से साहूकार की धर्मपत्नी को उसके 7 बच्चे प्राप्त हुए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा चलती आ रही है। धन्यवाद।